हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीओ ऑपरेशन के साथ बैठक करते हुए अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर फ्रॉड और नशे पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके कार्यक्रमों को भी देखा। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है और अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान शुरू कर दिया है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए शहर में कई नए कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग अब कंट्रोल रूम से की जाएगी। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस्ड करने लगेंगे आने वाले समय में, जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुंच जाता है। रोंग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं, उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, SOG के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है।